ये हमारे कारगिल हीरो पद्मपाणि आचार्य के प्रेरणादायक शब्द हैं, जो अपने विशाल साहस और हानिक धर्म के साथ हमें तोलोलिंग घाटी के शीर्ष पर मिला। तोलोलिंग की लड़ाई भारत को कभी भी देखी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में से एक थी। पाकिस्तान के उत्तरी प्रकाश पैदल सेना से भारत की सशस्त्र बलों और सैनिकों के बीच वहाँ एक खतरनाक लड़ाई मौजूद थी, जो चोटी के पूर्व लेने वाले नियंत्रण के पक्ष में समाप्त हुई थी। प्रमुख पद्मपाणि आचार्य भारतीय सेना के एक अधिकारी थे और उनकी सेवा संख्या IC 55072 थी। आचार्य एक परिवार के लिए पैदा हुआ था जिसकी उड़ीसा में उनकी जड़ें थी, लेकिन हैदराबाद में बस गए। उनके पिता जगन्नाथ आचार्य भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर थे, जिन्होंने 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ युद्ध की सेवा की थी। उन्होंने हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के साथ भी काम किया। आचार्य को दूसरे राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में दूसरे लेफ्टिनेंट का पद दिया गया था। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना में पैदल सेना को ले जाने वाली राइफल की सबसे पुरानी सैन्य इकाई है। उन्होंने मद्रास में स्थित अधिकारियों प्रशिक्षण अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेजर आचार्य को 28 जून 1999 को कंपनी कमांडर के रूप में दुश्मन की स्थिति को पकड़ने का कठिन काम दिया गया था। खानों और मशीन गन के साथ स्थिति को भारी रूप से घायल कर दिया गया था। इस पद को कैप्चर करना मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कुछ चुनौतियां थीं। दुश्मन की आग जो अग्रणी प्लाटून पर पूरी तरह से नीचे आ गई, बड़ी संख्या में हताहतों को प्रेरित किया। अपने बारे में सोचने के बिना आचार्य ने अपनी रेजिमेंट में सबसे आगे ले लिया और इसे तोपखाने के गोले बारिश के माध्यम से आगे बढ़ाया। अपने पुरुषों के साथ चोटों के शिकार होने के साथ उन्होंने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया और महान प्रतिरोध के साथ दुश्मन की आग का जवाब दिया। मेजर आचार्य दुश्मन की स्थिति तक रेंगने और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंक दिया। इस लड़ाई के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। भले ही वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, उन्होंने अपने पुरुषों के लिए कवर प्रदान किया और उन्हें आगे चार्ज करने के लिए कहा। आचार्य के सैनिकों ने दुश्मन को नीचे ले लिया और कारगिल युद्ध में भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थिति पर कब्जा कर लिया। अफसोस की बात है कि कवर प्रदान करने के अपने प्रयासों के दौरान वह चोटों के लिए झुका हुआ। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो उनके बहादुर प्रयासों और सेना में योगदान के लिए मरणोपरांत रूप से था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तोलोलिंग की लड़ाई की घटनाओं को बॉलीवुड फिल्म लोक कारगिल में अनुकूलित किया गया था। इस फिल्म में अभिनेता नागार्जुन एक्नेनी ने पद्मपाणि आचार्य की भूमिका को चित्रित किया।